कई वर्ष पहले की बात है, आपके राजस्थान में ही इसी क्षेत्र में रायसिंह नगर में हमारी भागवत थी। तो वहां पर धर्म संघ संस्कृत विद्यालय गुरुकुल चलता है, तो उसके आचार्य जी हमारे काफी स्नेही हैं, बड़ा आदर करता हूं मैं उनका और वो भी बड़ा स्नेह रखते हैं। तो उनके कोई मिलने वाले थे, उनकी कुछ समस्या थी, तो मेरी ओर इशारा करके कर दिया कि महाराज जी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मैंने पूछा क्या समस्या है आपकी, तो उन्होंने कहा महाराज इनको वशीकरण का मंत्र चाहिए। वो पीछे पड़ गए, महाराज मंत्र दे दो हमें। वो तो हमने कहा आज नहीं कल देंगे। तो उन्होंने सोचा कोई मुहूर्त की बात होगी, अच्छे समय में शायद देंगे, इसलिए आज टाल दिया। दूसरे दिन जब भेंट हुई तो पीछे पड़ गए, महाराज आज तो बता ही दो। तो हमने कहा आज और रुक जाओ, कल बताएंगे। दूसरे दिन भी वो आ गए हमारे पास और बोले महाराज आज तो बताना ही पड़ेगा। तो हमने कहा जान तो छूटेगी नहीं, कोई बात नहीं। हमने कहा आज कथा में आना, वहीं बताएंगे। तो कथा में जब वो आकर के बैठ गए तो हमने कहा जी वशीकरण मंत्र हम दे रहे हैं, नोट कर लो। वो खुश हुए, तो हमने यही दोहा पढ़ा। रही मन मीठे वचन से सुख उपजत चहूर, वशीकरण यही मंत्र है तज दे वचन कठोर। कठोर बोलना छोड़ दो, मीठा बोलना प्रारंभ कर दो, यही वशीकरण का महामंत्र है। मीठी वाणी ही जग में सच्चा व्यवहार सजाती है, मीठी वाणी ही जग में घर घर पूजी जाती है। मीठी लोरी को सुन करके बालक भी सो जाता, मीठी वीणा की ध्वनि पर मृग भी मोहित हो जाता। जिसको सुनकर खुश हो जाते रोम रोम सब प्राणी, सदा प्रेम से सबसे बोलो सुंदर मीठी वाणी।